एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हमारे किचन में बना है पोहा कटलेट। बहुत ज़्यादा इजी है इसको बनाना, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड, पोहा कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा कटलेट बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी पोहा, इसको चिवड़ा भी बोलते हैं, और ये लिया है हमने 2 चम्मच अरारोट, ये लिया है 6 से 7 आलू, उबले हुए आलू हैं जिनको हमने छील लिया है, 1 चम्मच लिया है हमने चाट मसाला, आधे छोटी चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लें, 1 छोटा प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़े को बारीक चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया है, और ये है ब्रेड क्रम, ये होममेड ब्रेड क्रम है, आप चाहें तो मार्केट से भी ब्रेड क्रम ला सकते हैं। तो पोहा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पोहा को पानी से धोएंगे। तो सबसे पहले हम पोहा को धो के रेडी करेंगे। तो इसके अंदर हम डालेंगे पानी और इसको हमें अच्छे से धो लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें पोहा को अच्छे तरीके से धोना है, उसके बाद हम इसका पानी जो है वो निकाल देंगे। ये देखिए, पानी निकालने के बाद पोहा को हमें इसी तरीके से 5 मिनट तक छोड़ देना है ताकि हमारा जो पोहा है वो अच्छे तरीके से भीग जाए। ये देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो चुका है और हमारा पोहा अच्छे तरीके से भीग चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे उबले हुए आलू, इसको इस तरीके से मैश करके, जितना आप पोहा लें उससे आधा हमें इसके अंदर आलू ऐड करना है। आलू ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, ये सब भी हम ऐड कर देंगे। उसके बाद अब हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से सारे मसाले को हम पोहा और आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, आलू और पोहा के अंदर हमने अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और अब हम इसको कटलेट का शेप दे देंगे, आप कोई सा भी शेप में इसको बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसको आप गोल या फिर लंबे शेप में बना सकते हैं कटलेट को। ये देखिए फ्रेंड, इसको हमें इस तरीके से कटलेट का शेप देना है। ये देखिए, इसी तरीके से सारा कटलेट हम बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, सारा कटलेट हमारा रेडी हो गया है। और अब हम इसको ये अरारोट लेंगे, इसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसका एक पतला सा घोल हमें बना के रेडी करना है। ये देखिए फ्रेंड, इसको हमें इस तरीके का घोल बना के रेडी करना है, और ये है हमारा ब्रेड क्रम। तो इसको हमें इस तरीके से डिप करना है, उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम में इस तरीके से लपेटेंगे और इसको हम इस तरीके से रेडी करना है। ये देखिए फ्रेंड, अब हम इस कटलेट को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने गैस पे रख दी है कढ़ाई, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया रिफाइंड ऑयल और इस ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम कटलेट को फ्राई कर लेंगे। इसको एक तरफ से फ्राई होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, एक तरफ से कटलेट फ्राई हो चुका है और अब हम इसको दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, कटलेट फ्राई हो चुका है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी का बचा हुआ कटलेट भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, पोहा कटलेट बनके रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत झटपट ये बनके तैयार हो जाता है। तो इसको आप कभी भी टी टाइम या फिर कोई भी मेहमान आपके घर आए तो उनको बना के
खिला सकते हैं। तो ये रेसिपी आप लोग को हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।